जय हिंद, मैं जय कुमार। देखिए, हमारे इस गले में, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा गला है, इस गले में दो पाइप जैसी संरचना पाई जाती है। एक पाइप जैसी संरचना हमारे इस गले में सामने की तरफ, जिसे विंड पाइप कहते हैं, यह विंड पाइप हमारे फेफड़े तक चली जाती है, जिसके थ्रू एयर ट्रेवल करके हमारे फेफड़े में पहुंचता है। और इस विंड पाइप के ठीक पीछे की ओर जो है फूड पाइप होती है, यह फूड पाइप हमारे अमाशय तक चली गई होती है, जिसके जरिए भोजन हमारा अमाशय तक जाता है। लेकिन हम अगर इस विंड पाइप की बात करें, तो यह विंड पाइप हमारे इस गले में उभरी हुई संरचना के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम इंग्लिश में एडम एप्पल कहते हैं, हिंदी में इसे कंठ भी कहा जाता है, जबकि मेडिकल की भाषा में इसे लायरिंग्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं। यह वॉइस बॉक्स अर्थात लायरिंग्स कह लीजिए, चाहे एडम एप्पल कह लीजिए, चाहे कंठ कह लीजिए, यह हमारे इस गले में यहाँ से यहाँ तक लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। और यह वॉइस बॉक्स, जिसे आप लायरिंग्स कहते हैं, कंठ कहते हैं, या फिर एडम एप्पल कहते हैं, इनमें से कुछ भी आप कह लीजिए, तो ये जो वॉइस बॉक्स है, इसकी 5 संरचनाएं होती हैं, अर्थात 5 संरचना में, यहाँ से यहाँ तक 5 संरचना में विभक्त होता है, बटा रहता है। तो यहाँ इस लायरिंग्स के सबसे ऊपर अर्थात यहाँ हायोड बोन पाई जाती है। ये हायोड बोन किसी अन्य बोन से जुड़ी नहीं रहती है, अन्य अस्थि से जुड़ी नहीं रहती है, बल्कि ये मसल्स के थ्रू, यानी कि मांसपेशियों के सहारे हमारे चेहरे तथा जो है गले के बाकी के हिस्से से जुड़ी होती है। इसी हायोड बोन के ठीक नीचे थायराइड कार्टिलेज होता है। यह थायराइड कार्टिलेज इस हायोड बोन से बहुत पतली झिल्ली जैसी संरचना से जुड़ा होता है, अर्थात बहुत पतली झिल्ली नुमा संरचना, जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं, जुड़ा रहता है। इसी थायराइड कार्टिलेज को हम हमारा कंठ भी कहते हैं। इसी कंठ के पोजीशन के चेंज होने की वजह से हमारे आवाज़ के पिच में चेंजेज होते हैं। अब इसी थायराइड, अब देखिए, एक तो आपको हायोड बोन मिल गया, हायोड बोन के ठीक नीचे जो है पतली झिल्ली जैसी संरचना, जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं, इस मेम्ब्रेन से थायराइड कार्टिलेज मिल गई। अब ये जो है, इसी थायराइड कार्टिलेज को आप कंठ भी कह लिए। अब इसी जो है, चाहे थायराइड कार्टिलेज कहिए, चाहे कंठ कह लीजिए, अब इसी जो थायराइड कार्टिलेज अर्थात जो कंठ है, इस कंठ के ठीक नीचे छोटे छोटे मेम्ब्रेन अर्थात छोटी छोटी जो है मांसपेशियों से अथवा छोटी छोटी जो है कलाओं से जुड़ा रहता है, क्रिकोयड कार्टिलेज जुड़ा रहता है, जो कि नीचे से थायराइड कार्टिलेज को सपोर्ट देता है, सहारा देता, ऊपर की तरफ उठा के रखता है, एक सपोर्ट का कार्य करता है। अब यही वॉइस बॉक्स, जिसे आप जो है एडम एप्पल कहे, कंठ कहे, अथवा जो है इसी को आप मेडिकल की भाषा में लायरिंग्स कहे, अथवा जो है वॉइस बॉक्स कहे, जो हम आपको बताए यहाँ से यहाँ तक लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर है, इसमें इसकी आप 5 संरचना पाए थे। तो 5 संरचना में से आप एक तो हायोड बोन, और दूसरा थायराइड कार्टिलेज, और तीसरा जो है क्रिकोइड कार्टिलेज पा गए। तो जिसमें हायोड बोन जो है फ्री था, वह जो है किसी बोन से जुड़ा नहीं था, बल्कि बहुत पतली पतली मसल्स की सहायता से हमारे चेहरे तथा जो है गले के बाकी के हिस्से से जुड़ा था। अब इसके ठीक नीचे जो थायराइड कार्टिलेज था, वह बहुत ही पतली जो है कलाओं से अर्थात मेम्ब्रेन से जो है, वह इस हायोड बोन के नीचे से जुड़ा था, जो मुख्य रूप से जो है क्या करता था, गले के पिच में चेंज करके आवाज़ में चेंजेस देने का कार्य करता था। इसी थायराइड कार्टिलेज के ठीक नीचे जो हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज होता है, ये क्रिकोइड कार्टिलेज जो है क्या करता है, इसका मुख्य कार्य जो है थायराइड कार्टिलेज को नीचे से सहारा देना होता है, सपोर्ट करना होता है। ये जो है वॉइस बॉक्स के 3 संरचना तो मिल गई, लेकिन अब इस वॉइस बॉक्स के अंदर की तरफ की अगर संरचना देखें, ये संरचना जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी से जो है आवाज़ उत्पन्न होती है। देखिए, सबसे पहले अंदर की ओर ये जो हमारा थायराइड कार्टिलेज और जो है हायोड बोन है, इनके सहारे से हमारा लगा होता है एपिग्लोटिस। यह एपिग्लोटिस जो होता है, भोजन को निगलते समय हमारे विंड पाइप को ढक लेता है।
और एक थैली नुमा संरचना बना करके सीधे हमारे फूड पाइप में, अभी आपको सबसे पहले फूड पाइप बताए थे जो सीधा हमारे अमाशय से लगा रहता है, और भोजन जब हम निगलते हैं तो वह भोजन को अमाशय में अर्थात स्टोमक में, जिसे आप पेट कहते हैं, वहां तक ले जाता है। हमारे विंड पाइप को जो है क्या करता है, क्लोज कर लेता है, ढक लेता है, और एक थैली नुमा संरचना बना करके सीधा हमारे फूड पाइप में खुलता है, जिसकी सहायता से भोजन जो है सीधा अमाशय में पहुंच जाता है अर्थात पेट में चला जाता है। अब ये जो एपिग्लोटिस है, इस एपिग्लोटिस के ठीक पीछे हमारा एयरटिनाइड कार्टिलेज जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पर जो है थायराइड कार्टिलेज और जो है हायोड बोन के सहारे अर्थात जो इसके पीछे जो है क्या जुड़ा था, एपिग्लोटिस। अब जो एपिग्लोटिस है, इस एपिग्लोटिस के पीछे क्या मिल रहा है, एयरटिनाइड कार्टिलेज जुड़ा होता है। अब इसी एयरटिनाइड कार्टिलेज से दो धागे नुमा संरचना निकलती है। ये धागे नुमा संरचना पतली पतली मांसल संरचना के रूप में दिखाई देती है, मांसल युक्त संरचना के रूप में दिखाई देती है, जिसे लिगामेंट भी कहते हैं। इसी लिगामेंट, चाहे लिगामेंट कह लीजिए चाहे इसी को ओकल कार्ड कह लीजिए, अर्थात एयरटिनाइड कार्टिलेज से ये जो पतली पतली मांसल युक्त संरचना निकली हुई होती है, जिसे आप लिगामेंट कहते हैं, इसी लिगामेंट को ओकल कार्ड भी कहा जाता है। अब होता क्या है, इसमें ये जो ओकल कार्ड होते हैं, ये एयरटिनाइड कार्टिलेज के दोनों तरफ से जो है मांसल संरचना के रूप में अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं, और इसी पतली पतली मांसल संरचना की वजह से जो है हमारा ओकल कार्ड मूव करता है अर्थात यह वाइब्रेशन होता है। और जब हम सांस लेते हैं यानी कि इनहेलेंट की क्रिया करते हैं, इनहेलेंट का मतलब होता है ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना, अपनी नासिका तथा नासा छिद्र के द्वारा जब ऑक्सीजन को हम अंदर ग्रहण करते हैं तो यह क्रिया इनहेलेंट की क्रिया कहलाती है। तो जब हम सांस की प्रक्रिया में जब हम सांस लेते हैं यानी कि इनहेलेंट की क्रिया करते हैं, तब ये ओकल कार्ड खुल जाते हैं, और जब वायु अंदर चली जाती है तब ये ओकल कार्ड बंद हो जाते हैं, और जब हम अपनी इच्छा से कुछ बोलना चाहते हैं तब हम अपने फेफड़े से हल्के प्रेशर के साथ एयर को बाहर की ओर छोड़ते हैं, हल्के प्रेशर के साथ एयर को बाहर की ओर छोड़ते हैं, जिससे ये होता है कि हल्के प्रेशर और एयर की वजह से जो ये ओकल कार्ड है, इस ओकल कार्ड में वाइब्रेशन होने लगता है। हम आप जानते हैं वहाँ पर वाइब्रेशन होता है, वहाँ साउंड प्रोड्यूस होती है अर्थात ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार देखिए ओकल कार्ड में वाइब्रेशन होने के कारण हमारे गले की आवाज़ तो निकलने लगती है और सीधे आगे बढ़ती है, गले से आवाज निकल करके जब आगे बढ़ती है अर्थात अपने होंठ दांत व तालु यानी कि मुख तक वह आवाज आती है, तो इसी होंठ दांत व तालु की वजह से इसे हम एक शब्द के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि अपने जीभ दांत होंठ और तालु के शेप के अनुसार हम अलग-अलग शब्दों में, हम अलग-अलग शब्दों के रूप में इस आवाज़ को परिवर्तित कर लेते हैं और अलग-अलग शब्दों को बोल पाते हैं। देखिए आप कभी-कभी पाते हैं कि कुछ लोगों की गले से कर्कशी सी आवाज़ सुनने को मिलती है, बिल्कुल अप्रिय सी बोली निकलती है उनके मुँह से, जैसे मानो उनके मुँह में खराश सा हो गया हो। देखिए ऐसी स्थिति में होता यह है कि उन व्यक्तियों का जो ये ओकल कार्ड है, का ओकल कार्ड बिल्कुल एक सिमेट्री में नहीं रहता है, यानी कि एक ओकल कार्ड पूरा खुला रहता है तो एक कम खुला रहता है, या फिर एक ओकल कार्ड ज़्यादा पतला होता है या फिर एक ज़्यादा मोटा होता है। व्यक्ति का ओकल कार्ड बहुत ज़्यादा टेंसड हो जाता है तो ओकल कार्ड का जो पिच होता है वो बहुत हायर लेवल पर चला जाता है, जिससे आवाज़ सुरीली हो जाती है। गले से निकलने वाली आवाज़ कितनी तेज होगी वो इस बात पर निर्भर करती है कि उनके फेफड़े से कितने प्रेशर से एयर बाहर निकल रहा है, और जब यही साउंड गले से बाहर निकलकर हमारे बक्कल कैविटी, नासल कैविटी और हमारी चेहरे में पाई जाने वाली साइनेंसेस में रेजोनेंट होती हैं, तो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग टोन होती है, की वजह से किसी भी व्यक्तियों की आवाज़ सेम नहीं होती है।